हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं। मैं प्रे करता हूँ कि आप 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। नाउ आप क्लास 11th में आएंगे, तो क्लास 11th में फिजिक्स में जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड, एक सिंपल सा चैप्टर है जिसमें आप फिजिक्स से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स, जनरल थिंग्स आप उसमें पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो सेकेंड चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम सेकेंड चैप्टर यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो 11th में आपके पास जो सेकेंड चैप्टर है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और डेली लाइफ में भी यूज होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। हम सभी जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लाइक मास, लेंथ, टाइम, फोर्स एक्सेट्रा। हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को अभी तक पढ़ चुके हैं, राइट, जो डेली लाइफ में यूज भी होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, राइट, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी। नाउ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, विदाउट मेजरमेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इज यूजलेस फॉर अस, राइट, कि बिना मेजरमेंट के वो हमारे लिए यूजलेस है, या वो तब तक आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट नहीं है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना मेजरमेंट के कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप किसी शॉप पे जाओ और वहाँ से क्लोथ को आपको परचेज करना है अपने लिए, तो जब हम क्लोथ को परचेज करेंगे तो क्लोथ का मेजरमेंट हमेशा लेंथ में लिया जाता है, राइट, और लेंथ क्या है यहाँ पे, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और कहते हैं हमें 2 मीटर क्लोथ चाहिए, राइट, तो हमें पता था कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी और लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं किसमें, मीटर में। बट सपोज आपको पता नहीं होता कि लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, तो आप शॉपकीपर से बोलते कि मुझे 2 चाहिए, तो क्या आपको दे पाता क्लोथ? नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, और मेजरमेंट के बिना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नेसेसरी, एंड फॉर द मेजरमेंट्स टू थिंग्स आर नेसेसरी। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, एंड सेकेंड वन इज यूनिट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होना जरूरी है, विदाउट मेजरमेंट वो हमारे लिए इनकम्प्लीट है, यूजलेस है। एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर नेसेसरी, फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड वन इज यूनिट, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स 2, 3, 4 जो भी आपका होता है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिट। नाउ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इक्वेस टू एन यू से, राइट। एक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। एक्स यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, एन क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू क्या होगा वहां पे, यूनिट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूं मास इक्वेस टू 2 kg, तो 2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज यूनिट, राइट।
तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड, x इक्वल्स टू एन यू, फॉर एग्जाम्पल m इक्वल्स टू 2 kg, 2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज यूनिट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि n एंड u एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, राइट? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u मीन्स कि जब n लार्ज होगा तो उस टाइम पे u क्या होगा, स्मॉल होगा, और जब n स्मॉल होगा तो u लार्ज होगा। इसको आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 meter हैविंग 100 cm, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेंथ की यहाँ पे यूनिट है मीटर, मीटर एक लार्ज यूनिट है इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, स्मॉल। बट हियर लेंथ की यूनिट हमने सेंटीमीटर ली है, सेंटीमीटर एक स्मॉल यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, लार्ज हो गई। क्लियर? तो जहां पे भी n लार्ज होगा वहां पे u स्मॉल होगा एंड वाइस वर्सा, राइट? तो आप ये देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? नाउ मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कंपलसरी है, मेजरमेंट के लिए 2 things कंपलसरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानते हैं, कोई भी नंबर 2, 3, 4 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। नाउ हम बात करेंगे यूनिट पे कि यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट, राइट? यूनिट को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इंपॉर्टेंट है व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है। तो यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जो हमने डिसाइड किए, जो हर प्लेस पे, हर जगह पे जिसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जिसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस या टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड अमाउंट है और उस स्टैंडर्ड अमाउंट को हम कह देते हैं यूनिट, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे हमने केजी को सेट किया है कि मास की यूनिट केजी है, तो 1 kg में एक स्टैंडर्ड अमाउंट आएगा और वो स्टैंडर्ड अमाउंट हर जगह सेम होगा। ऐसे नहीं होगा कि इस प्लेस पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी और डिफरेंट प्लेसेस में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी या टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ऐसा नहीं होगा, यूनिट स्टैंडर्ड अमाउंट होगी, वो एवरीवेयर और हर टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होती है। और ये यूनिट हम लोगों ने ही खुद क्या की है, डिसाइड की है, राइट? क्लियर है? नाउ यूनिट्स हमारे पास 2 types के होते हैं, वी हैव 2 types ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। हमारे पास जो यूनिट है वो 2 तरह के यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स हम उन यूनिट्स को बोलते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दोज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, वो किसी दूसरे भी यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। एंड डिराइव्ड यूनिट हम उन यूनिट्स को बोलते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। राइट? आप समझ रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। एंड डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। क्लियर है? एक्चुअली हमारे पास 2 types के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। राइट? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मीन्स वो ऐसी क्वांटिटियां जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लाइक मास, लेंथ, टाइम। वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उन फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है उन यूनिट्स को ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? तो हमारे पास, मैं आपको बता रहा था कि 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
एंड सेकेंड वन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मीन्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट. जैसे मैं फोर्स बोलूँ तो फोर्स क्या होगा, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास क्या है यहाँ पे, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो फोर्स को हम मास के टर्म में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट. तो इसलिए ध्यान रखना है कि टू टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज होती है. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स. एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स. वी हैव सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देन वी हैव सेवन फंडामेंटल यूनिट्स. फर्स्ट मास इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज केजी. तो पहला फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया हमारे पास, केजी. सेकेंड लेंथ, तो लेंथ की यूनिट होगी मीटर. थर्ड टाइम, टाइम की यूनिट होगी सेकेंड. फोर्थ करंट, करंट की यूनिट होगी एम्पियर. फिफ्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन. सिक्स लुमिनियस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला. एंड सेवेंथ क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी यूनिट होती है मोल, राइट. तो हमारे पास ये सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उनकी ये सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है, केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल. ये हमारे पास सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है, क्लियर है. बिसाइड दिस वी हैव टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन एंड स्टे रेडियन, राइट. नाउ डिराइव्ड यूनिट्स में आपको बता रहा था कि वो यूनिट्स जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे लाइक आपसे पूछा जाए कि स्पीड की यूनिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड. तो डिराइव्ड यूनिट को देखो हम किसके टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में, राइट. तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स, क्लियर. तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड अमाउंट है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड डिराइव्ड यूनिट्स मीन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. We have seven fundamental units, kg, meter, second, ampere, kelvin, candela and mole. And we have lots of derived units. इन सारे units को छोड़ के जितने भी units होते हैं all are derived units, right? तो आज हमने पढ़ा measurement of a physical quantity, right? कि physical quantity को किस तरीके से measure किया जाता है. तो next topic हम दूसरे दिन पढ़ेंगे. Thank you.